So hello everyone, we have today a very, very important topic in front of us where we'll be studying about trigonometric functions, their graphs and their behavior. ठीक है, बहुत ज़्यादा important है इसलिए क्योंकि तुम इससे ना अपनी understanding develop करते हो. जब तुम किसी भी function के graph को study करते हो, actually में आप उसकी understanding तभी study कर रहे होते हो, तभी देख रहे होते हो. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ढेर सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी हैं और आगे भी. अब आज की जो क्लास है इसमें सर्टेनली आप इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं. सो आई हैव ट्राइड टू क्रिएट सम गुड एनिमेशंस, आई हैव ट्राइड टू यू नो यूटिलाइज सम गुड एनिमेशंस ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए. ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट द ग्राफ्स, है ना, थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहूँगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड इट्स पीरियोडिसिटी. ठीक है, फंक्शंस के बारे में आपने पढ़ा था, मैंने फंक्शंस आपको कराया था, आप में से दो तीन लोग उस टाइम पे मेरे साथ ज्वाइन नहीं थे तो डोंट वरी, उसके वीडियोस भी मेरे पास अवेलेबल हैं. इन केस यू एवर नीड इट तो जस्ट एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा इस नंबर पर 9319666162. आप सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग द वीडियो फॉर फंक्शंस. ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और उसकी पीरियोडिसिटी की बात करते हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगा पीरियोडिक फंक्शन और उसकी पीरियोडिसिटी के बारे में. ठीक है, कभी भी तुम्हारा कोई भी फंक्शन अगर आता है, ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर मैं उस फंक्शन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाता हूँ, एक्स प्लस टी के फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हो एक्स प्लस टू टी के फॉर्म में, तो ये जो टी है ना इसका पीरियड कहलाता है, राइट? इस टी को इसको क्या बोलते हैं, इस टी को क्या बोलते हैं, इसका पीरियड कहलाता है. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अलावा एक और फंक्शन तुम लोगों ने पहले पढ़ा है जो कि पीरियोडिक है, शायद आपको ध्यान है या नहीं है, मैं आपको याद दिलाता हूँ. दैट वाज फ्रैक्शनल फंक्शन. व्हाट वाज दैट? फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल फंक्शन. ठीक है, अगर तुम्हें इसका ग्राफ ध्यान में आ रहा है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा था, राइट, जीरो से लेकर के वन के बीच में वैरी करता था, फ्रैक्शनल फंक्शन, राइट. इसका पीरियड क्या था? वन. व्हाट वाज द पीरियड? वन. क्यों? क्योंकि हर वन के बाद ये रिपीट हो रहा है, इट इज रिपीटिंग आफ्टर एवरी वन. ठीक है, तो पीरियोडिसिटी क्या होती है, पीरियड क्या होता है किसी भी फंक्शन का, ये हमें समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर मैं इसको एफ एक्स को एफ एक्स प्लस टी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शंस बोलेंगे. हमारे पास जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हैं ये सब के सब पीरियोडिक हैं, यानी ये सब के सब अपने आप को रिपीट करते हैं. हम लोगों ने पिछले क्लासेस में इन सबको स्टडी कर रखा है. ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, राइट, इन केस यू आर नॉट यूजिंग योर माइक प्लीज टर्न इट ऑफ सो दैट यू हैव गुड रिकॉर्डिंग क्वालिटी. ऑल राइट, जब कभी यूज करना हो तो यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बट जब यूज नहीं कर रहे हो तो म्यूट रहो. ऑल राइट, तो एक्स प्लस टी है हमारे पास, एक्स प्लस टू टी है, है ना. अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि x प्लस वन, राइट, तो इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए ना. सोच के देखो, पीरियडिक फंक्शन मैंने तुम्हें कराया है, ठीक है, तो क्या कराया था, सपोज करो x की वैल्यू तुमने ली 2.2, कितनी ली? 2.2. सो 2.2 यहाँ जब मैं ये वैल्यू रखता हूँ 2.2, तो पीरियडिक फंक्शन का 2.2 में वैल्यू, मुझे उम्मीद है तुम्हें ध्यान आओगे कितना था, इट वॉज 0.2. ठीक है, अगर मैं इसमें प्लस वन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 3.2 आएगा. तो 3.2 का पीरियोडिक वैल्यू क्या 0.2 होगी क्या? इज इट द सेम वैल्यू? यस इट इज. ठीक है, आई होप कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी आपको याद होंगी. अगर मैं आपसे कहता हूँ माइनस टू पॉइंट सेवन, क्या बताया था मैंने? मैंने आपको ये ज़रूर बताया होगा कि जब कभी भी माइनस वैल्यू होती है तो उसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो हम देखते हैं, यानी कि 1 माइनस 0.7 कितना होगा आउटपुट मेरे पास? 0.3. ठीक है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है या फिर आपने नहीं पढ़ा इसको तो फिर आप इसको नोट कर लेंगे. ठीक है, बिकॉज जितने भी हमारे पास सिलेबस में पीरियोडिक फंक्शंस हैं उसमें मैक्सिमम या कह लो सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, और साथ में एक ये तुम्हारा दिस पार्टिकुलर फंक्शन जिसको हम लोग फ्रैक्शनल फंक्शन कहते हैं. क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शनल फंक्शन कहते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास ये दोनों फंक्शन क्या? पीरियोडिक हैं. फ्रैक्शनल फंक्शन की पीरियड कितनी है? 1. ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन तुमने ढेर सारे पढ़ रखे हैं, राइट, तुमने 9-10 तक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े थे, बट यहाँ तुम क्या पढ़ रहे हो? ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ रहे हो. इंस्टेड ऑफ साइन थीटा यू आर सेइंग साइन एक्स, इंस्टेड ऑफ कॉस थीटा यू आर सेइंग कॉस एक्स, एंड थीटा हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू, राइट. जनरली 0 से लेकर के 90 तक आप पढ़ते थे, या फिर बहुत आप आगे बढ़ जाएंगे तो 0 से लेकर 360 तक पढ़ लेंगे, बट यहाँ पे एक्स वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर. ठीक है, तो हम लोगों ने इस बात को देखा था
जब कभी भी हमारे पास कोई सा भी फंक्शन आता है राइट, तो उसका पीरियड क्या है ये समझ में आता है। जैसे कि अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2π होता है, यानी कि हर 2π के बाद साइन एक्स जो अपने आप को रिपीट करता है। अभी ग्राफ में देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली कॉस एक्स की भी बात अगर आप करेंगे तो कॉस एक्स का भी पीरियड कितना होता है, 2π होता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप टैन एक्स की बात करते हैं या फिर आप कॉट एक्स की बात करते हैं तो इसका पीरियड पाई रहता है। और कॉस और साइन का रेसिप्रोकल अगर आप लोगे ना, दैट इज सेक एंड कोसेक, सो व्हाट इज द पीरियड, सर्टेनली अगर उसका 2π है तो इसका भी 2π ही होगा, ठीक है। ये इसके पीरियोडिसिटी होती है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि हर 2π के बाद ये वाली चीज़ अपने आपको रिपीट करे। जैसे ये फ्रैक्शन फंक्शन का हम एग्जांपल लिया, ये कितने बार रिपीट कर रहा है, 1 के बाद अपने आपको रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो यही वाली चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। पीरियोडिसिटी के बारे में एक और चीज़ मैं बात करूँगा, बिकॉज जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं इस पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जे के भी क्वेश्चन आते हैं राइट, अच्छे क्वेश्चन इस पर आ रखे हैं, तो थोड़ा इसके और बेसिक बात करूँगा फंक्शन के बारे में। जैसे अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन ये है राइट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टी, जिसका पीरियड कितना है, पीरियड इसका टी है, यू अंडरस्टैंड दैट। बट अगर यही वाला फंक्शन कुछ इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो ध्यान रखना इसका जो पीरियड होगा ना, वो पीरियड क्या होगा, अगर मेरे पास इसका पीरियड पहले टी था, अगर इस फंक्शन का पीरियड टी था और एक्स की जगह पे अगर मेरे पास ए एक्स प्लस बी आ चुका है, तो अब जो नया फंक्शन मेरे पास बन के आ रहा है, मॉडिफाइड फंक्शन जो बन के आ रहा है, इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड होगा टी ओवर ए। क्या होगा इसका पीरियड, टी ओवर ए। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, मैं एक एग्जांपल भी देता हूं ताकि इस चीज़ को आप बेहतर ध्यान रख सको। आई गिव यू वन एग्जांपल राइट, जैसे कि अभी अभी आपने देखा कि साइन एक्स और कॉस एक्स का जो फंक्शन है इसका पीरियड कितना है, 2π है। अगर मैं तुमसे कह देता हूं कि अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स राइट, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस पाई, इट इज साइन 3x प्लस पाई, आपसे पूछा गया बताओ इसका पीरियड कितना होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पीरियड, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, तो आप आंसर क्या दोगे, आप आंसर दोगे 2π अपॉन a, a की जगह पे कितना है 3, ठीक है। मतलब क्या है, ये फंक्शन तुम्हारे पास 2π बाई 3 के बाद हर बार रिपीट करेगी, हर बार रिपीट करेगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको ये पीरियोडिसिटी के बारे में ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। मैंने बोला अगर तुम्हारा ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स था और इसका पीरियड टी था, अगर टी था तो अगर इसी फंक्शन में तुम एफ ए एक्स प्लस बी का फॉर्म तुम्हें अगर कभी किसी क्वेश्चन में मिल जाता है तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा, जो भी पीरियड था अपॉन डिवाइड बाई दैट वैल्यू। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है भाई, 2π होता है, तो साइन 3x प्लस पाई का पीरियड कितना होगा, 2π बाई 3 होगा। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम वैल्यूज़ देखना कुछ शुरू करते हैं। ये वैल्यूज़ मुझे उम्मीद है तुम्हें ध्यान होंगी, राइट, मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ कि ये वैल्यूज़ तुम्हें ध्यान होंगी। साइन थीटा कह लो या तुम साइन एक्स कह लो, ज़्यादा बढ़िया है, बिकॉज अब तो हमें एंगल को एक डिग्री के आगे, मतलब 1 रेवोल्यूशन के आगे भी घुमाना है। 1 रेवोल्यूशन तक कितनी वैल्यू आएगी, 360 तक आएगी, राइट, विल गेट टिल 360 टिल 2π, बट जब हम 1 रेवोल्यूशन के आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एंगल 2π से अधिक हो जाता है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हमारा एंगल पॉजिटिव रहता है, हमारा एंगल पॉजिटिव रहता है, बट जैसे ही हम क्लॉकवाइज घूमना शुरू करते हैं तो हमारा एंगल्स क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली, और हमने इस बात को देखा भी था जब हमने इस टॉपिक को पहली बार पढ़ा था, तो आपको याद होगा हमने क्या देखा था कि साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है। वैल्यू कैसे बढ़ रही है, ये हमारे पास 0 है, उसके बाद 1/2 है, 1/2 इज व्हाट, 0.5, 1/√2 है, ये कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.7 होता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू तुम देख सकते हो, 3/2 ऑलमोस्ट 0.86 के आसपास आता है, और ये तो 1 है। तो लगातार देखो, 0 से 0.5, 0.5 से 0.7, फिर 0.86, फिर 1, लगातार इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो साइन फंक्शन हमने देखा था, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया था, इट वॉज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। उसका रेसिप्रोकल कॉस का अगर आप देखते हो, रेसिप्रोकल कहना तो गलत होगा, लेकिन कॉस उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉस एग्जैक्टली डिक्रीज हो रहा होता है, है ना, 0 पे 1 है, फिर √3/2 एग्जैक्टली डिक्रीज हो रहा है, राइट, दिस इज इंक्रीजिंग एंड दिस वन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। टैन की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन हमने पहले कर रखी है, बट आज क्योंकि हम ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे तो सर्टेनली इन सबको एक बार हम रिवाइज करना चाह रहे हैं बिफोर वी एक्चुअली मूव टुवर्ड्स द ग्राफ, ठीक है। और जैसे चलो अब प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, इतनी वैल्यू तो तुम्हें समझ में आती है ना कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, साइन की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 1 आती है, क्या ये वाली बात हम लोग जानते हैं, जानते हैं। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है साइन और कॉस की, -1 होती है, राइट। ये वैल्यूज तो हमें यहाँ दिखता भी है, राइट, 1 है यहाँ, -1 है,
रूट थ्री बाई टू या फिर 1/√2 या 1/2, ये सब के सब क्या है, दे आर ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, ये सब के सब क्या है, माइनस 1 से 1 के बीच के ही वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं टैन की बात करूँ तो ये वैल्यूज हमारे पास लगातार इंक्रीज करती जाती है। टैन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है। एवरीथिंग टैन एक्स की वैल्यू सब कुछ अचीव करती है, एवरीथिंग। चलो आओ इसको ग्राफ में थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। जैसे ये साइन ग्राफ है, राइट, साइन ग्राफ है, तो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। फंक्शन क्या है, द फंक्शन इज वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, द फंक्शन इज वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। जो वैल्यूज तुम्हें पता है पहले वहीं से शुरू करो, राइट। जैसे कि ये 0° पाई बाई टू है ना, बीच में तुम्हारे पास सर्टनली बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, जैसे कि पाई बाई 6 वुड कम, पाई बाई 4 वुड कम, पाई बाई 3 वुड कम, एंड देन विल मूव अहेड टू पाई, है ना, पाई तक पहुंचेंगे, और पाई के बाद फिर हमारे पास यहाँ कहीं पे है ना वैल्यूज थोड़ी और बेटर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। पाई बाई 2 अगर मेरे पास ये वैल्यू थी तो पाई इस ऐसे ही कहीं पे, यहाँ कहीं पे होगी, और 3 पाई बाई 2 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है, और 2 पाई यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, पाई पाई बाई 2 का गैप है। तो आपने देखा कि 0 से लेकर के 1 तक ये वैल्यू इंक्रीज करके जाती है ना, ये वैल्यू ये कहाँ पे हाईएस्ट कब पहुँचती है, जब हमारे पास x पाई बाई 2 होता है, इसको हमने देख रखा है। और शायद तुम्हें ध्यान होगा कि पाई बाई 2 से लेकर के पाई कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट है। अभी मैं तुम्हें ग्राफिकली एनिमेशन से भी दिखाऊंगा, बट तुम्हें याद करने की जरूरत है, और शायद हमने ये बात कई बार रिपीट किया कि 0 से लेकर पाई बाई 2 तक कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। पाई बाई 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। पाई से लेकर 3 बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। 3 बाई 2 से लेकर 2 पाई तक फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये सारी बातें हमने कई बार एंगल्स में और सब जगह पर रिपीट की हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन हमारा पॉजिटिव होता है, यस इट इज पॉजिटिव, राइट। तो ये वैल्यू इसी तरीके से यहाँ पे डिक्रीज करती है, जैसे यहाँ पे इंक्रीज करती है, राइट। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट आई एम श्योर तुम्हें समझ में आ रहा होगा, राइट, ठीक है। तो 0 से लेकर के पाई तक हमारे पास वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और जैसे ही हम पाई से यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव की तरफ भागती है, और माइनस 1 की वैल्यू कहाँ पे अचीव करती है, 3 पाई बाई 2 पे, ठीक है। 3 पाई बाई 2 पे हमारे पास वैल्यू कितनी अचीव करती है, माइनस 1 की वैल्यू, राइट, लेट्स से दिस इज माइनस 1, ओके। और फिर यहाँ से फिर इंक्रीज करना शुरू करती है और ये फिर से यहाँ पे जाती है, एंड द सेम थिंग इज रिपीटेड उस साइड भी, फिर ऐसी चीज ये वाली चीज़ रिपीट होती चली जाती है, ठीक है। अगर तुम्हें डिग्री में इस बात को समझना है तो तुम डिग्री में भी समझ सकते हो। आप लोग जो लोग अभी 11th में एंटर किए हैं उनको डिग्री जो है वो ज़्यादा प्यारी लगती है, राइट। ये भाई पाई बाई 2 क्या है, 90° है, पाई बाई 3 कितना है, 60° है, ये कितना है भाई, 45° है, और ये कितना है तुम्हारे पास, दिस इज 30° एंड 0 इज 0°, ये कितना है तुम्हारे पास, 180° है, व्हाट इज दिस, दिस इज 270°, ठीक है। बट मैं बार बार कहता हूँ कि आपको अपने आप को रेडियंस में कंफर्टेबल कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब मैं x को नेगेटिव करूंगा तो समझने की बात है, x जब नेगेटिव होगा तो हम कहाँ एंटर कर जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, राइट। कहाँ तक जाएगा, माइनस 1 तक जाएगा, उसके बाद फिर पॉजिटिव की तरफ भागेगा, और फिर सेम चीज़ ऐसे रिपीट होगी। कैन यू गेस ये अभी हम कहाँ पे हैं, ये वाली वैल्यू मिनिमम कहाँ पे आ रही है, ये मैक्सिमम कहाँ पे आ रही है, कैन यू गेस दैट, आई थिंक यू शुड गेस दैट। ये कितना होगा, ये होगा माइनस पाई बाई 2, ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी माइनस पाई, और ये कितनी होगी, माइनस 3 पाई बाई 2। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, लेट मी रिमाइंड यू अ फ्यू थिंग्स जो हमने पीछे क्लासेस में कर रखा है। ये पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 2 का मतलब होता है जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव करते हैं। ये है मेरा पाई बाई 2, हाँ या ना, दिस इज पाई बाई 2, राइट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये प्लस पाई बाई 2 है, ठीक है। और ये माइनस 3 पाई बाई 2 जरा सोच के देखो क्या होता है, जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 पाई बाई 2 एंगल कवर करते हैं, यानी हम यहीं पे हैं, तो ध्यान से सोचो, ये जो तुम्हारे पास पाई बाई 2 है और माइनस 3 पाई बाई 2 है, क्या ये इक्विवेलेंट एंगल्स हैं, मैं इक्वल नहीं बोलूंगा, आई कॉल देम इक्विवेलेंट, राइट। क्या ये सेम पोजीशन पे पहुंच हम लोग खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, एग्जैक्टली हाँ, एक बार हम क्लॉकवाइज रोटेशन से पहुंच रहे हैं और एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से पहुंच रहे हैं। जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेके पहुंच रहे हैं तो वो पॉजिटिव एंगल है, और जब हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन लेके पहुंच रहे हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो वैल्यू तुम्हारे पास माइनस 3 पाई बाई 2 पे है, एग्जैक्टली वही वैल्यू तुम्हारे पास पाई बाई 2 पे भी है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, ये जो तुम्हारे पास माइनस पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 कब होता है,
जब हम यहाँ पे होते हैं राइट टिल दिस पॉइंट दिस इज माइनस पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू, क्या हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के क्या यहीं पहुंचते क्या? बिल्कुल यहीं पहुंचते। तो ये दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट एंगल से देखो ना, माइनस पाई बाई टू पे जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू तुम्हारे पास थ्री बाई टू पे भी आ रही है राइट। एंड यू कैन इजिली सी कि माइनस टू पाई से लेकर के जीरो तक जैसा ग्राफ का नेचर है एग्जैक्टली जीरो से लेकर के टू पाई तक ग्राफ का नेचर वैसे ही है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है, इसकी पीरियोडिसिटी टू पाई है। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी? टू पाई। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों सपोज करो यहाँ पे मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स लिया, साइन एक्स लिया तो मेरी वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक फ्लक्चुएट कर रही थी? जरा ध्यान से देखना इसकी वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक फ्लक्चुएट कर रही थी। ये अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो दिस इज 0.1, इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट कितना है मेरे पास 0.-1। यानी मैं अगर इसके रेंज की बात करूँ, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स, आई वुड से दिस इज राइट फ्रॉम -1 to +1। मैंने आप लोगों को जब फंक्शन कराया था तो शायद आप में से ज्यादातर लोग उस क्लास में थे, मैं आपको याद दिलाता हूँ फंक्शन में, जो लोग नहीं थे वो भी ध्यान से सुनेंगे, इट्स वेरी इजी। फंक्शन में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है उसको डोमेन बोलते हैं और y की जितनी पॉसिबल वैल्यू है, y की पॉसिबल वैल्यू कहां से कहां तक दिख रही है तुम्हें, कहां से कहां तक दिख रही है y तुम्हारा, कहां से कहां तक वैरी कर रहा है? ध्यान से देखो, -1 से +1 के बीच में ही तो वैरी कर रहा है बच्चों राइट। तो रेंज क्या होता है? y की पॉसिबिलिटीज होती हैं और डोमेन क्या होता है? डोमेन x की पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डोमेन की बात करता तो यहाँ पे डोमेन ऑल रियल नंबर्स होता, शाबाश, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। या तो आप r लिख दो या फिर आप ओपन इंटरवल में -∞ से +∞ लिख दो। ठीक है, यहाँ पे एक दो बातें और करूंगा ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली में अच्छी होनी चाहिए राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, ये वाली बात मैंने कल भी की थी जब मैं तुम्हारे साथ मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक्सप्रेशन लेता हूँ y is equal to 5 sin x, सोचो होगा क्या, हर वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एवरी वैल्यू विल बी मल्टीप्लाई टू व्हाट, 5। तो ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास 0 से -1 से लेके 1 के बीच में था, अब ये कहाँ से कहाँ तक रोटेट करेगा? -5 से लेके +5 के बीच में रोटेट करेगा। मतलब अगर तुम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो तो ये कुछ ब्लैक वाली लाइन ऐसे ऐसी लंबी ऐसी यहाँ चली जाएगी राइट, बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। पीरियड इसका अभी भी सोचने की बात है, पीरियड इसका अभी भी कितना होगा? 2 पाई ही होगा राइट, 0 पे ही अब भी 0 होगा बिकॉज 0 × 5 will be 0 राइट। और यहाँ पे भी ऐसे बहुत तेजी से ऐसे स्टीपली ऊपर जाएगा और स्टीपली ऐसे नीचे गिरेगा। ठीक है, स्टीप कर्व जैसे कोरोना का कर्व, बहुत तेजी से ऊपर गया बहुत तेजी से नीचे आया। ठीक है, नीचे भी ठीक ठाक ही गिर रहा है यार, ऐसी बात नहीं है, हालांकि आई डोंट नो दैट, दैट इज ऑन पेपर्स, बट स्टिल लेट्स कीप अस अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग एल्स राइट। तो यहाँ पे ये भी इस तरीके से ऐसे तुम्हारा -5 से लेके कहाँ तक जाएगा +5 तक जाएगा। तो ये बात हमें यहाँ पे समझ में, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें आ रही है। ठीक है, तो जो भी मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा उसका रेंज वहाँ से लेके वहाँ तक बढ़ जाएगा, डोमेन तो भाई जो है वो रहेगा। पीरियड भी हमारे पास 2π था, 2π होगा बिकॉज हमें साफ साफ दिखता है कि 2π के बाद ही रिपीट कर रहा है। बट थोड़ा और दिमाग लगाओ, सपोज करो तुम्हारे पास फंक्शन आ गया वाई इज इक्वल टू 5 times एंड sin of 2x। ठीक है, अभी तुम्हारे पास मैंने पहले क्या लिया था, y इज इक्वल टू साइन एक्स, समझ में आया आपको? फिर मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू 5 times sin x, आई एम श्योर तुम्हें वो भी समझ में आया होगा। जब मैं y इज इक्वल टू 5 times sin 2x की बात कर रहा हूँ, अब हाउ विल इट अफेक्ट द नेचर ऑफ द ग्राफ एंड व्हाट इज द पीरियड? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला था, पीरियोडिसिटी पे ध्यान देना। सबसे पहले मैंने तुमसे क्या कहा, मैंने कहा आप पीरियोडिसिटी पे ध्यान देना। ठीक है, लेट मी चेक, चूज अ सेपरेट कलर सो दैट थिंग्स आर डिफरेंट। ओके, सो पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी? मैंने आपको बताया था कि अगर एफ एक्स का पीरियड 2π है तो एफ ए एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/a। दैट मीन्स हमारा पीरियड कितना हो जाएगा, 5। यानी जो चीज़ पहले 0 से लेके 2π के बीच में हो रही थी, अब वो चीज़ क्या होगी, 0 से लेके π के बीच में होगी राइट। तुम सोच के देखो ना बेटा, जब तुम यहाँ पे x की वैल्यू π/2 रख रहे थे, अब अगर तुम π/2 रखोगे तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी। जब आप वैल्यू यहाँ पे x की π/4 रख रहे थे तो जो वैल्यू अचीव हो रही थी वो अब π/4 पे, ये वाली वैल्यू कहाँ चल जाएगी, π/2 पे चल जाएगी, एग्जैक्टली डबल की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा, ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा 0 से π के बीच में ही राइट, हमारे पास ग्राफ की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये 5 times है तो 5 times तक जाएगा तो जरूर राइट, π/4 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से राइट, कुछ इस तरीके से π/4 में मैक्सिमम वैल्यू आएगी।
और पाई बाई टू पे आकर क्या हो जाएगा, फट से गिर जाएगा नीचे, है ना, क्योंकि जो वैल्यू पाई पे हो रही थी अब यहाँ पे क्या होगी, पाई बाई टू पे होगी। और ऐसे ही बहुत तेजी से ये नीचे भागेगा और पाई पे फिर से क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो पे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेम थिंग वुड हैपन इवन हेयर, ये है बहुत तेजी से आपके पास यहाँ आएगा और माइनस पाई पे जाकर के ये क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। और आपको पता है कि यहीं तक रिपीट होगा, ठीक है। तो इसका पीरियड आप अगर देख सकते हैं कि माइनस पाई से पाई के बीच में जो इसका नेचर है, वही नेचर इसका जीरो से पाई के बीच में भी है, ठीक है। इसको थोड़ा एनिमेशन से देखते हैं, राइट, आई हैव ट्राइड टू क्रिएट सम एनिमेशंस, लेट्स हैव अ लुक एट देयर एंड देन आई विल म्यूट माय सेल्फ, आई मीन विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड देन आई विल आस्क जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप बताओगे मुझे, ठीक है। जैसे देखो, ये देखो साइन की वैल्यू अभी, ये थीटा क्या हो रहा है, थीटा देखो ध्यान से इंक्रीज हो रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, एक रोटेशन हुआ 400, 500, 550 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज घूमना शुरू किया, फिर देखो डिक्रीज होना शुरू हुआ, देख रहे हो डिक्रीज होना शुरू हुआ, अब क्या वो माइनस में चला गया, ठीक है, माइनस में चला गया। तो वी अंडरस्टैंड क्लॉकवाइज से हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज से क्या है, वी अंडरस्टैंड, ठीक है, पॉजिटिव एंगल्स हैं, साइन की वैल्यू इंक्रीज करती गई, राइट, 90 पे जाकर के मैक्सिमम 1 पे गई, फिर 180 पे जाकर के फिर से कितने हो गई, जीरो हो गई, 180 के बाद मतलब कहाँ पहुँच गए हम लोग, थर्ड कॉर्नर में पहुँच गए, 180 से लेकर 270 तक कितने हो गए, माइनस 1 हो गई। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज जो हैं इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, और जीरो से लेके 360 तक जब हम नेगेटिव एंगल्स में जाते हैं, देखो इस तरफ बढ़ रहा है, राइट, इस तरफ हमने बढ़ना शुरू किया नेगेटिव एंगल्स में, इस तरफ बढ़ना शुरू किया, ठीक है, 180 एंड सो ऑन, इट इवन इट विल कंटिन्यू लाइक दैट, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू है साइन की, जो साइन ग्राफ है, ये माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में आ रहा है। अगर ये कभी a टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो इसका डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पीरियोडिसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो हमारे पास रेंज है उसमें फर्क पड़ रहा है, राइट। हमने क्या बातें की, हमने ये बातें की कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन साइन एक्स है, अ क्विक रिकैप ऑफ एवरीथिंग बिफोर यू आस्क मी एनीथिंग, साइन एक्स है तो हमने इसकी क्या बात की, हमने इसकी ये बात की कि इसका रेंज हमारे पास माइनस 1 से प्लस 1 है। हमने ये बात की कि इसका डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर्स है। फिर हमने थोड़ा सा इससे अलग बात की, हमने क्या बात की कि अगर हमारे पास फंक्शन है a टाइम्स ऑफ साइन ऑफ, मान लो bx एक्स प्लस सी, जनरल बातें करते हैं, ठीक है, जनरल बातें करते हैं। इस फंक्शन का पीरियड कितना था, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, लेट्स कॉल इट f1, लेट्स कॉल इट f2, ठीक है। तो अगर मैं f1 का पीरियड की बात करूं तो इसका पीरियड कितना था बच्चों, 2 पाई था, एग्जैक्टली 2 पाई के बाद ये वाली चीज़ फिर से रिपीट होती, एग्जैक्टली सेम चीज़ ट्रेस होना शुरू हो जाती है, एग्जैक्टली सेम चीज़। तो अब मैं अगर f2 के रेंज और डोमेन की बात करूं तो हमने अभी अभी क्या देखा कि इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस ए से लेके प्लस ए के बीच में होगा, ठीक है। डोमेन में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सारे के सारे रियल नंबर्स यहाँ पे अलाउड हैं, ऑल द रियल नंबर्स आर अलाउड। हाँ, पीरियोडिसिटी सर्टेनली हमारे पास चेंज हो जाएगी, राइट, पीरियोडिसिटी हमारे पास सर्टेनली चेंज हो जाएगी। पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, जो भी थी कितनी थी, 2 पाई डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे कितना है, पी, ठीक है। दैट इज हाउ थिंग्स वर्क, और एग्जैक्टली कॉस एक्स में भी इसी तरीके से चलेगा, जस्ट डैट उसकी शुरुआत कहीं और से होगी, आइए उसको देखेंगे। बट बिफोर डैट आई म्यूट माई सेल्फ, आई मीन आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग। सो नाउ डैट वी हैव लर्नड अबाउट साइन ग्राफ, कोसाइन ग्राफ को समझना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने जा रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने जा रहा है। ग्राफ क्या ले रहे हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स हम ग्राफ ले रहे हैं। कॉस एक्स हमें पता होना चाहिए, जीरो पे 1 वैल्यू होती है ना, जीरो पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, पाई बाई टू पे आते आते ये बैठ जाता है बिल्कुल, है ना, बेचारा बिल्कुल ही ऐसे दब से गिर जाता है पाई बाई टू पे आकर के। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हमारे पास पाई बाई टू है। और जैसे ही हम सेकेंड क्वारेंट में एंटर करते हैं, सेकेंड क्वारेंट क्या होता है हमारे पास, पाई बाई टू से लेकर के पाई तक, राइट, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और तुम्हें शायद ध्यान है कि पाई पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम होती है, कितनी होती है, माइनस 1 होती है, ठीक है, ये वैल्यू कौन सी है, दिस इज पाई। और जैसे ही हम थर्ड क्वारेंट में एंटर करते हैं तो फिर से इसकी वैल्यू नेगेटिव ही रहती है, और फोर्थ क्वारेंट एंटर करते ही, फोर्थ क्वारेंट कहाँ पे एंटर करेगा, 3 पाई बाई 2 के बाद, कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो इतनी बातें हम लोगों ने सीखी हैं, राइट, इतनी बातें हम लोगों ने पीछे सीखी हैं। ये वैल्यू क्या होगी, बस 2 पाई होगी, जो वैल्यू जीरो पे है वही वैल्यू 2 पाई पे है, यू अंडरस्टैंड दैट, राइट, यू अंडरस्टैंड द एंगल्स, ठीक है। वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का हमारे पास फंक्शन है। अगर मैं माइनस पाई बाई टू की बात करूं तो हमें ध्यान आता है कि भाई ये तो कॉस है, ये तो पॉजिटिव होता है, माइनस पाई बाई टू तक ये पॉजिटिव है, राइट, माइनस पाई बाई टू तक पॉजिटिव है,
और उसके बाद फिर नेगेटिव हो जाएगा, राइट, और फिर इस तरीके से चलता रहेगा। ये वैल्यू हमारे पास कहाँ पे अचीव होगी, ये माइनस पाई है, ये हमारे पास माइनस थ्री पाई बाई टू है, और इस तरीके से ये तुम्हारे पास माइनस टू पाई होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो बहुत इजीली तुम इस बात को देख पाते हो कि ज़ीरो से लेकर के टू पाई तक जैसा नेचर है, ध्यान से देखो, ज़ीरो से लेके टू पाई तक, टू पाई कहाँ है, ये रहा तुम्हारे पास टू पाई, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो तुम्हारे पास ग्राफ का नेचर है जैसा है, ठीक वैसा ही तुम्हारे पास माइनस टू पाई से लेके ज़ीरो तक है। क्या इस बात को आप आसानी से देख पा रहे हैं, ध्यान से देखो, डिक्रीज इंक्रीज एग्जैक्टली, ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा रफ है तो थोड़ा सा और लेफ्ट हैंड साइड का स्पेस और थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, बट दैट इज़ ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात बहुत आसानी से करूँगा। डोमेन क्या है भाई, एक्स कहाँ तक वेरी कर रहा है, कहीं से कहीं तक कर रहा है, यानी कि ऑल रियल नंबर्स, और रेंज यानी कि वाई हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, माइनस वन से लेके प्लस वन तक वेरी कर रहा है। अगर मैं इसमें थोड़ी बहुत बातें आपके साथ और करूँ, जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि बताओ अगर वाई इज इक्वल टू थ्री कॉस एक्स हो जाएगा, थ्री कॉस एक्स हो जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा ग्राफ में, रेंज में क्या होगा, ग्राफ में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बहुत आसानी समझ में आता है कि भाई जो वैल्यू वन थी वो भाग कहाँ पर भाग जाएगी, थ्री भाग जाएगी, राइट, जीरो पे तो जीरो ही रहेगा भाई, जीरो पे तो जीरो ही हो जाएगा, बिकॉज जीरो इंटू थ्री इज जीरो इटसेल्फ, हाँ वन इंटू थ्री इज थ्री, दैट गोज अप, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ऊपर ही भागता है, पीरियड उसका उतना ही रहता है, ठीक है, जब माइनस वन था तो कहाँ हो जाएगा, माइनस थ्री पे चला जाएगा और फिर जीरो पे फिर से जीरो हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू थ्री साइन एक्स पे इस तरीके से कुछ बिहेव करेगा। और शायद आप इस बात को भी समझते हैं कि अगर मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ वाई इज इक्वल टू थ्री कॉस एक्स इंटू लेट से यू हैव थ्री एक्स माइनस पाई बाई फोर, ठीक है, तो इसका नेचर कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखना सभी लोग, ठीक है, सबसे पहली बात इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस थ्री से प्लस थ्री, इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, इसका पीरियड हो जाएगा मेरे पास टू पाई बाई थ्री, यानी जो भी चीज़ जीरो से टू पाई के बीच में हो रही थी वो वाली चीज़ अब जीरो से टू पाई बाई थ्री तक होगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम यहाँ पे कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ग्राफ हमारा राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू तुम्हारे पास x इज इक्वल टू जीरो पे आने वाली थी वो वैल्यू अब कहाँ पे आएगी तुम्हारे पास, वो वैल्यू अब तुम्हारे पास आएगी पाई बाई ट्वेल्व पे, कितने पे आएगी, पाई बाई ट्वेल्व पे, देखो ना ये वैल्यू जीरो कब होगी, व्हेन विल दिस वैल्यू बिकम जीरो, इज़न्ट दैट x इज इक्वल टू पाई बाई ट्वेल्व, सर्टेनली यस, तो ये वाली जो तुम्हारा ग्राफ है ये कहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, जो वैल्यू जीरो पे थी वो कहाँ से हम लोग देखेंगे, ये पाई बाई ट्वेल्व से शुरू होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, आप जिस लेवल तक जा सकते हो चले जाओ, कोई दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है, आरडी शर्मा में इससे आसान आसान क्वेश्चंस हैं और किसी भी लेवल में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, ठीक है, और चलो एक इसका भी एनिमेशन देखते हैं, शायद ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखो ये तुम्हारा साइन फंक्शन है, तुमने इसको पढ़ लिया, राइट, यू हैव जस्ट डन द साइन फंक्शन, ठीक है, उसको जब हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं और क्या आता है, कॉस एक्स आता है, ठीक है, जैसे ही साइन फंक्शन अगर हमने देखा तो इफ आई शिफ्ट इट टू दी लेफ्ट हैंड साइड, पाई बाई टू से जब मैं उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास कॉस एक्स आता है, ठीक है, ये वाली चीज़ हमने अभी अभी समझी भी है, राइट, वी एग्जैक्टली अंडरस्टैंड दीज वैल्यूज, ऑल राइट, तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो। और इसके बाद अब हम यहाँ से